प्रवासी संकट से आज सभी बखूबी वाकिफ हैं। बीते साल जून के महीने में शिवसेना में बड़ी टूट देखने को मिली। शिवसेना दो गुटों में बट गई और अब देखा जाए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में भी बड़ी टूट नजर आई है। जी हाँ, वरिष्ठ नेता अजीत पवार के बगावत कर देने के बाद अब राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रमुख शरद पवार की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। ऐसे में देखा जाए तो इस मुश्किल घड़ी में शरद पवार के साथ खड़े हुए हैं उन्हीं के बड़े भाई के पोते यानी कि शरद पवार के परपोते रोहित पवार। रोहित पवार महाराष्ट्र की सियासत में चर्चा का विषय बन चुके हैं और इस वक्त देखा जाए तो रोहित पवार को लेकर तमाम अहम दावे भी किए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि रोहित पवार को लेकर सियासी अटकलें लगातार तेज हैं। दावे ये किए जा रहे हैं कि रोहित पवार को आगे रखकर शरद पवार अब कुछ अहम रणनीतियां बना रहे हैं। रोहित पवार भी साफ कर चुके हैं कि वह राजनीतिक तौर पर तो शरद पवार के साथ हैं लेकिन पारिवारिक तौर पर आज भी वह अजीत पवार के साथ हैं। दरअसल उनका कहना रहा कि बेशक अजीत पवार बगावत कर चुके हैं लेकिन वह उनके काका ही रहेंगे। आज हमारे स्पेशल प्रोग्राम बड़ी हस्ती में हम बात करने जा रहे हैं रोहित पवार के बारे में। आखिरकार रोहित पवार कौन है, किस तरह से उन्होंने सियासत में अपनी अलग पहचान बनाई है और कैसे वह राजनीतिक दुनिया में आगे बढ़ते हुए आने वाले समय में नजर आ सकते हैं, सुनिए जरा। महाराष्ट्र की सियासत में सियासी भूचाल आ चुका है जिस तरह से वरिष्ठ नेता अजीत पवार ने बगावत की है। मालूम हो कि 2 जुलाई के दिन एनडीए में शामिल हुए अजीत पवार के एनडीए में शामिल हो जाने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार की मुश्किलें बढ़ गई और अब देखा जाए शरद पवार डंके की चोट पर कई बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि बतौर उप मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद अजीत पवार ने दावा किया एनसीपी को लेकर कि एनसीपी उनकी है लेकिन शरद पवार का कहना रहा कि ये तो जनता ही बताएगी कि आखिरकार एनसीपी किसकी है। दोनों ही गुटों की तरफ से पार्टी को लेकर फैसले भी लिए जा रहे हैं। पहले अजीत पवार ने चाचा शरद पवार को रिटायर होने की सलाह दे डाली। एक दिन बाद शरद पवार ने अजीत पवार को पार्टी से निकालने का आदेश भी जारी किया। 83 साल के हो चुके हैं शरद पवार। उनका कहना रहा कि उम्र चाहे 82 हो या फिर 92 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बगावत में सिर्फ पार्टी नहीं बल्कि पवार परिवार भी बढ़ चुका है। एक तरफ हैं शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले, वहीं उनके साथ साथ हैं उनके परपोते रोहित पवार। दूसरी ही तरफ हैं अजीत पवार और उनके परिवार के और उनके बेटे पार्थ पवार। ऐसे में देखा जाए तो शरद पवार को लेकर अलग अलग अटकलें भी तेज होती हुई नजर आ रही हैं और तमाम बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको जानकारी देने जा रहे हैं रोहित पवार के बारे में। दरअसल आपको बता दें कि शरद पवार अपने 11 भाई बहनों में 8वें नंबर पर हैं। कुल 7 भाई और 4 बहन हैं। शरद पवार के अलावा कोई राजनीति में एक्टिव नहीं नजर आया। शरद पवार की एकमात्र बेटी सुप्रिया सुले हैं जिन्हें पवार ने हाल ही में पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया था। सुप्रिया सुले बारामती से लोकसभा सांसद हैं। वहीं बात की जाए अजीत पवार के बारे में, अजीत पवार शरद पवार के भाई अनंत राव पवार के बेटे हैं। अजीत के 2 बेटे हैं, पार्थ पवार जो राजनीति में हैं और दूसरे बेटे हैं जो उद्योग पति हैं जय पवार। वहीं अगर बात की जाए रोहित पवार के बारे में, शरद पवार के बड़े भाई अप्पा साहेब पवार के पोते हैं रोहित पवार। वहीं आपको ये भी बता दें कि इन सबके अलावा राजनीति में कोई सक्रिय नहीं है। रोहित पवार के पिता राजेंद्र पवार कृषि व्यापार से जुड़े हैं, परिवार के बाकी सदस्य अलग अलग व्यवसायों से जुड़े हुए हैं। रोहित पवार 38 साल के हैं, शरद पवार के बेहद करीब हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी से 2007 में इन्होंने पढ़ाई कंप्लीट की और पढ़ाई पूरी करने के बाद पिता के बिजनेस से ये जुड़ गए। बाद में राजनीति में इन्होंने कदम रखा और इन्होंने जिस तरह से इच्छा जाहिर की परिवार के सदस्यों के सामने इनकी इच्छा भी पूरी हुई। 2017 में पुणे जिले परिषद का चुनाव लड़ने का इन्हें मौका मिला। रिकॉर्ड वोटों से इन्होंने जीत हासिल की और 2 साल बाद ही रोहित पवार विधानसभा में पहुंच गए। फिलहाल रोहित पवार अहमदनगर के करजत जामखेड़ सीट से विधायक हैं। इस सीट पर लंबे समय तक बीजेपी ने कब्जा कर रखा था लेकिन आज रोहित पवार इससे विधायक हैं। रोहित पवार का पवार परिवार के गढ़ बारामती से दूर करजत जामखेड़ आकर अपना पहला चुनाव लड़ने का दावा किया था। रोहित पवार ने विधानसभा चुनाव होने से पहले 6 महीने पहले ही इलाके में घूम रहे थे और बीजेपी
बीजेपी के इस चुनाव में रोहित के बाहरी होने का मुद्दा भी बनाया गया और मुकाबला तगड़ा देखने को मिला। उस वक्त देवेंद्र फडणवीस ने यहां पर दो ताबड़तोड़ रैलियां की थी। फडणवीस ने अपनी एक रैली में रोहित पवार को बारामती का पार्सल बताया, तो वहीं अमित शाह भी इस रैली का हिस्सा बने थे। बाहरी होने के बचाव में रोहित पवार तर्क देते थे कि वे लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। यही सोचकर उन्होंने मुकाबले को यहां पर देखा गया कि आसान नहीं होता हुआ नजर आया। वहीं रोहित पवार ने बीजेपी की तरफ जिस तरीके से निशाना साधा, रोहित पवार यहां पर आगे बढ़ते हुए नजर आए। अजीत पवार के बगावत करने के बाद रोहित पवार हर जगह शरद पवार के साथ नजर आ रहे हैं। अजीत पवार और उनके समर्थकों के खिलाफ वह खुलकर बोल रहे हैं। मालूम हो कि 4 जुलाई के दिन रोहित पवार ने ट्विटर पर शरद पवार को जननायक बताया और उनकी एक प्रोफाइल भी पोस्ट की। शरद पवार के अब तक के राजनीतिक करियर को बताया गया था, लिखा था कि 60 साल जनसेवा की, अपने दम पर महाराष्ट्र को संभाला, देश की रक्षा की, संकट में भी बिना डगमगाए लड़ते रहे, सभी जाति धर्म को साथ लेकर चले हैं। वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो रोहित पवार महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी बनाए गए। शरद पवार खुद BCCI और ICC के अध्यक्ष रह चुके हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो रोहित पवार को अब आगे किया जाएगा, जिससे कि अजीत पवार जिस तरीके से असहज महसूस करते हुए नजर आए हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई देखी जाएंगी। वहीं साथ ही साथ आपको बता दें कि रोहित पवार जो शरद पवार के परपोते हैं, रोहित पवार बारामती एग्रो के CEO भी हैं और रोहित पवार, शरद पवार, अजीत पवार, सुप्रिया सुले की तरह राजनीति में लगातार सक्रिय भी हैं। इतना ही नहीं, रोहित पवार को लेकर NCP के सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि शरद पवार अब रोहित पवार को स्टेट लेवल पर नेतृत्व के लिए तैयार कर रहे हैं। कहा जाता है कि रोहित पवार को प्रमोट किए जाने से अजीत पवार असहज महसूस कर रहे थे और अब देखा जाए तो रोहित पवार को ही वह आगे करते हुए देखे जाएंगे, क्योंकि शरद पवार को भरोसा है कि वह पार्टी के चेहरे हैं और बगावत के बाद भी वोटर उन्हें ही असली NCP मानते हुए वोट देंगे। ऐसे में वह नए चेहरों को प्रमोट करना चाहते हैं, जिनमें से रोहित पवार अहम हैं, विधायक हैं और अक्सर सुप्रिया सुले के साथ बैठकों में वह नजर आते हैं और अब वह शरद पवार के साथ देखे जा रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो रोहित पवार इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में चर्चा का विषय बन चुके हैं। देखते हैं क्या वाकई में रोहित पवार को जल्द से जल्द कोई अहम जिम्मेदारी पार्टी में सौंपी जाएगी या फिर नहीं। आपने सुना कि किस तरीके से रोहित पवार यहाँ पर जो चर्चा का विषय बने हुए हैं, उनका भी एक अलग ही वर्चस्व और अलग ही रुतबा है महाराष्ट्र की सियासत में। अब देखना यही दिलचस्प होगा कि शरद पवार किस तरह से रोहित पवार को आगे रखते हुए अपनी पार्टी को मजबूत बनाएंगे। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन महाराष्ट्र में NCP जिस तरह से दो गुटों में बटी हुई है, उस NCP को क्या वाकई में शरद पवार एक बार फिर से जोड़ पाएंगे या फिर नहीं, ये वक्त के साथ साथ ही देखना होगा। फिलहाल हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए Next9 News।